अगर आपको फिलिस्तीनियों पर इजराइल का कहर देखना है तो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही गाजा पट्टी पर रह रहे फिलिस्तीनियों की फुटेज को देख लो। उसको देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये लोग अभी तक इजराइल के किस खौफ में जी रहे थे, और अब जाकर इनको राहत की सांस मिली है। हमास और इजराइल दोनों ने ही सीज फायर पर सहमति बना ली है, और बड़े बड़े देशों के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू सीज फायर के लिए आखिरकार मान ही गए। लेकिन इस सीज फायर के आते आते पिछले कल भी यूनाइटेड नेशंस में इसराइल फलस्तीन मुद्दे पर दो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की क्लोज मीटिंग और एक ओपन डिबेट के बाद पिछले कल यूनाइटेड नेशंस में एक बार फिर इस मुद्दे पर यूएन जनरल असेंबली मीटिंग बुलाई गई थी। अब जहां बाकी देश इस मुद्दे पर बोल रहे थे तो ऑब्वियस है कि भारत को भी यहां पर बोलना था। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन टीएस तिरुमूर्ति साहब भारत की तरफ से मीटिंग अटेंड कर रहे थे, और उन्होंने पिछले कल एक बार फिर इस मुद्दे पर भारत की तरफ से यूएन जनरल असेंबली में अपना पक्ष रखा। टीएस तिरुमूर्ति साहब ने कहा, हम इस मुद्दे पर पहले भी दो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स और एक ओपन डिबेट कर चुके हैं। इन बैठकों में हमने रमजान के पवित्र महीने के दौरान हराम अल शरीफ और ईस्ट जेरूसलम में शेख जर्रा और सिलवान में हो रही निष्कासन प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। साथ में ये देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद जारी हिंसा अभी तक कम नहीं हुई है। हम गाजा की तरफ से इसराइल में अंधाधुंध रॉकेट हमलों की भी कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। गाजा में जवाबी हमले में भी कई मौतें और भारी तबाही हुई है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा को बढ़ाने वाली किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचना चाहिए, साथ में यथास्थिति को एक रूप से बदलने के प्रयास से बचना चाहिए। आगे टीएस तिरुमूर्ति साहब कहते हैं कि दोनों पक्षों के बीच में वार्ता तत्काल प्रभाव से बहाल की जानी चाहिए, यानी दोनों पक्षों के बीच में डायरेक्ट डायलॉग प्रोसेस शुरू होना चाहिए। आगे उन्होंने यूएन जनरल असेंबली को बताया कि भारत फलस्तीन को कई तरह की जरूरी दवाओं और महामारी राहत सामग्री की आपूर्ति सहित कई तरीके की सहायता प्रदान कर रहा है। वैसे ये भी विडंबना है कि एक तरफ इसराइल हमें एयरप्लेन भर भर के दवाइयाँ, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स, सिलेंडर्स और राहत सामग्री भेज रहा है, दूसरी तरफ हम कुछ ऐसी राहत सामग्री फलस्तीन के लिए आज भी लगातार भेज रहे हैं। आगे टीएस तिरुमूर्ति साहब कहते हैं कि हम शांति बहाली के लिए सभी तरह के राजनीतिक प्रयासों का समर्थन करते हैं ताकि जारी हिंसा को समाप्त किया जा सके, और सुरक्षित सीमाओं में टू स्टेट सॉल्यूशन के अनुरूप में इसराइल और फलस्तीन दोनों साइड एक साथ रहें। वैसे आपको बता दूं कि जब ये यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी तब इसराइल की तरफ से सीज फायर का ऐलान नहीं हुआ था। वैसे भारत की ये सारी स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो ये भी न्यूट्रल और थोड़ी थोड़ी फलस्तीन की तरफ टिल्टेड थी। साथ में एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इसराइल का समर्थन करने से भारत का यूएन में जेएनके पर स्टैंड वीक कभी नहीं होगा, और ना ही जेएनके भारत के हाथ से निकल जाएगा। आपको बता दूं कि भारत का ये स्टैंड ओआईसी के 57 इस्लामिक देशों और अरब देशों के साथ हमारे इंटरेस्ट को लेकर है, क्योंकि भारत क्रूड ऑयल, इंटरनेशनल रेमिटेंस और ट्रेड जैसी कई चीजों के लिए इन पर डिपेंडेंट है। और जहां तक रही पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चीन की बात, तो वो यूनाइटेड नेशन के थ्रू भारत को कभी नहीं मिलेंगे। इन पर हमला करके इनको वापस लिया जा सकता है, मांगने से तो ये कभी नहीं मिलेंगे। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप भी भारतीय सरकार के स्टेटमेंट से खुश हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।